लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से बड़ी जीत हासिल की है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भ्रष्टाचारी परिवारवादी वादा खिलाफियों को स्वीकार नहीं किया। कमल ने कमाल कर दिया है और कमाल ऐसा कि 29 के 29 कमल मध्य प्रदेश में खिले हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 29 कमल खिलाने की बात कही थी और वह पूरी हुई है। प्रदेश प्रभारी आशीष मीडिया ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, यह संगठन जो कहता है वो करता है। प्रदेश की जनता ने भ्रष्टाचारियों को स्वीकार नहीं किया। मध्य प्रदेश में पूरे 29 कमल खिले हैं। वहीं उन्होंने छिंदवाड़ा सीट जीतने को लेकर कहा कि वह कांग्रेस का गढ़ नहीं बल्कि एक परिवार द्वारा किया जा रहा भावनात्मक शोषण था। पिछली बार भी हम वो सीट बहुत कम अंतर से हारे थे। देखिए, मध्य प्रदेश का संगठन है और ये मध्य प्रदेश की जनता है। संगठन और कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है और मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचारियों को, वादा खिलाफियों को, परिवारवादियों को स्वीकार नहीं करती है। तो ऐतिहासिक जीत आज भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने दी है। कमल ने कमाल कर दिया है और कमाल भी ऐसा कि 29 के 29 कमल खिले हैं। देखिए, गढ़ नहीं वो भावनात्मक शोषण एक परिवार के द्वारा, एक क्षेत्र की जनता के द्वारा किया गया। पिछली बार भी वो सीट हम बहुत कम अंतर से हारे थे। तो मैंडेट तो तभी स्पष्ट था कि छिंदवाड़ा की जनता स्वयं परिवारवादी बेड़ियों से मुक्ति चाहती है। इस बार का चुनाव एक साधारण कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन क्षमता के अलावा छिंदवाड़ा की जनता ने लड़ा। भ्रष्टाचार की बेड़ियों से, परिवारवाद की बेड़ियों से मुक्ति का ये चुनाव छिंदवाड़ा की जनता ने लड़ा, जिसपे ऐतिहासिक जीत हमें मिली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।